नमस्कार, निर्जास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर की मलाई से शुद्ध घी किस तरह से निकाल सकते हैं। 10-12 दिन की मलाई से हम इस इजी ट्रिक से कम 1 किलो तक घी निकाल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने रोज मलाई जो निकालते हैं उसको हम एक बड़े से डिब्बे में इकट्ठा करते जाएंगे और उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नीचे नहीं रखना है, अपन को फ्रीज़र वाले पोर्शन पे रखना है जहाँ पर कि हम बर्फ जमाते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो मलाई होगी वो हमारी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल ताज़ी मलाई जैसी रही आएगी। रोज मलाई उसमें डाल डाल के हम इकट्ठी कर लेंगे और करीब 10-12 दिन की मलाई हम उसमें इकट्ठी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जब ये 10-12 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाएगी तो इस डिब्बे को हम रात में बाहर निकाल के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो सुबह तक काफ़ी ये मेल्ट हो जाएगी, बर्फ इसका मेल्ट हो जाएगा। फिर इसको हम एक ब्लेंडर में लेके फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा कि उसकी पूरी मक्खन होगा जो निकल आएगा और जो नीचे बचेगा वो दूध बचेगा। आप उस दूध का दही बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये मेरी 10-12 दिन की मलाई है, इसको मैंने रात में बाहर निकाल के रख दिया था एक रूम टेम्परेचर पे और अब ये काफ़ी मेल्ट हो चुकी है। इसको मैंने एक बड़े से भगोने में पलट लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसको अब हम फेंट लेंगे। आपके पास यदि हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से कीजिए, नहीं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा लेके मिक्सी में भी कर सकते हैं या फिर जो हाथ से मथने वाली मथानी होती है हम उससे भी इसको कर सकते हैं। ब्लेंडर से अच्छा रहता है, एक बार में इकट्ठा पूरा एक साथ सारा आराम से निकल जाता है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अभी हम बिना पानी के ही इसको मथेंगे ताकि सारा कुछ जो भी मलाई गाढ़ी सी है वो सब अच्छे से एक सी हो जाए इसमें। ये देखिए, अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था तो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ब्लेंडर भी चलने में अब थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे अब इसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे। आप गर्मियों में ठंडा पानी मिलाइए और ठंड में हल्का सा पानी कुनकुना करके फिर इसमें हम मिलाएंगे, तो क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से इसका मक्खन निकल आएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाएंगे और कम से कम एक बॉटल फ्रिज की ठंडी बॉटल इसमें हम मिला देंगे। इस समय गर्मियों का सीज़न है तो हम फ्रिज की ठंडी बॉटल का ही इस्तेमाल करेंगे। और यदि फिर भी उतना अच्छे से मक्खन नहीं आता है तो आप इसमें थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम चारों तरफ से हिला के और अच्छे से मथ के पूरा कर लेंगे। ये देखिए, अब मक्खन हमारा काफ़ी हद तक निकलने लगा है। ये देखिए, ऊपर मक्खन मक्खन दिख रहा है और अब नीचे पानी आ जाएगा। जो नीचे बचेगा वो दूध जैसा बचेगा पोर्शन, उसका हम दही जमा लेंगे या फिर हम उससे पनीर भी बना सकते हैं। ये देखो, ये अब हमारा मक्खन निकल चुका है, ये देखिए, और दूध अलग हो गया है, नीचे आ गया है और मक्खन हल्का होके पूरा अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसे अलग एक बड़ी सी कढ़ाई में निकाल लेंगे। अब हम एक बड़ी कढ़ाई ले लेंगे और इस मक्खन को हम इस बड़ी कढ़ाई में डाल लेंगे। मक्खन को निकालने के लिए हम थोड़ा सा मक्खन लेके इस तरह से हाथ से
उचका उचका के और दबा दबा के सारा मक्खन निकाल लेंगे, ताकि उसका पानी पूरा नीचे रह जाए और सिर्फ हाथ में हमारे मक्खन बचे। अगर एक हाथ से नहीं बनता है तो आप दोनों हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा के सारा पानी निकाल दें और मक्खन मक्खन को एक कढ़ाई में पूरा इकट्ठापन को कर लेना है। ठंडा पानी रहेगा तो बहुत आसानी से एकदम मक्खन सिमट जाएगा और हाथों में अच्छे से दबा दबा के उसका पूरा पानी हम निकाल सकते हैं। अगर आपका मक्खन इस तरह से कड़क नहीं बना है तो आप उसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए तो उससे क्या होगा कि मक्खन अच्छा कड़क हो जाएगा और फिर उसको आप अच्छे से हाथ से इस तरह से दबा दबा के निकाल लीजिए और नीचे का जो बचेगा वो आपका दूध बचेगा। उसको फेंकिए नहीं, उसमें आप थोड़ा सा जावन डाल दीजिए तो वो दही बन जाएगा, या फिर उसको उबाल कर उसका आप पनीर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना सारा मक्खन निकला है, हमारे 10-12 दिन की मलाई में बहुत सारा मक्खन निकला है। ये देखिए अब हमने मक्खन को और उसके पानी को अलग अलग कर दिया है। ये बचा है जो मक्खन निकालने के बाद बचा हमारा दूध, वो ये है, और कढ़ाई में हमने मक्खन निकाल लिया है। अब इस मक्खन से हम घी निकालेंगे। अब हम गैस पे इस कढ़ाई को चढ़ा देंगे, मक्खन वाली कढ़ाई को, और मक्खन को अच्छे से पिघला लेंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। कम से कम हम इसको आधा से 1 घंटा लगातार खड़े रहना है आंच के पास में और चलाना है। ये देखिए 1 घंटे तक हमने इसको पकाया है और लगातार हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब पूरे समय नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर में आप इस पे चलाते रहिए, नहीं तो मलाई है ना नीचे जल जाती है और फिर वो ख़राब हो जाएगी। अब ये जो नीचे हमारा गाढ़ा गाढ़ा पोर्शन दिख रहा है ये खोवे टाइप का बन जाएगा, और जो ऊपर दिख रहा है पानी पानी जैसा, ये हमारा घी निकल आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब गैस को हम बंद कर देंगे और अब इसको हम छोड़ देंगे कम से कम 5-6 घंटे के लिए, तो घी ऊपर आ जाएगा और खोवा नीचे आ जाएगा। ये देखो मेरा पास टाइम नहीं था तो मैं काफ़ी देर तक इसको मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था, तो गर्म घी था, गर्मी के कारण ये जो खोवा रहता है वो भी काफ़ी हद तक सिक जाता है, और सुबह ये पूरा घी जम चुका था। तो मैंने इसको क्या करा, फिर से इसको आँच पे रख के हल्का सा पिघला लिया है और अब इसको मैं एक दूसरी कढ़ाई में इसको हम छान लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाया है, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था तो अभी बहुत अच्छा नहीं पक पाया है। तो अब हम घी को अच्छे से पका लेंगे और जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, वो हमारा खोवा बन जाएगा। आप इससे किसी भी प्रकार की मिठाई या कोई भी डिश बना सकते हैं। खोवे का जो भी आपको आइटम बनाना हो, इससे आप खोवे जैसा इसका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे लड्डू बनाइए, नारियल में मिला के इसके लड्डू बना लीजिए, या फिर बेसन में मिला के बर्फी बना लीजिए, इसका हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमने ये घी छान लिया है और अब ये हमारा इतना घी निकल आया है, ये कम से कम 1 किलो है। अब इस घी को हम पकाएंगे। अभी इसमें जो ये देख रहे हैं आप सफ़ेद सफ़ेद दाने, जब तक ये एकदम कड़क नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल डार्क रंग के नहीं हो जाते पकते, और घी ऐसा उबलने लगे, बढ़िया चूरने लगे, अच्छी खुशबू आने लगे, तब आप घी घी को बंद करेंगे, गैस को बंद करेंगे। तो ये घी हमारा अच्छा पक जाएगा और काफ़ी दिन तक चल जाएगा। अभी ये कच्चा है कि हमारा घी उबल रहा है और वो जो सफ़ेद दाने थे वो देखिए काले काले हो गए हैं। ये देखिए घी में कितना उफान आ रहा है। बस अब हम इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे, वरना बहुत ज़्यादा उबालने से क्या होगा कि घी में इतना तेज़ उफान आएगा कि इसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है, एकदम से वो कढ़ाई से बाहर निकल जाता है। इसलिए अब हम इसको बस इतना ही आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए
ये उफान आ रहा है, इसमें ये बुलबुले उबल आ रहे हैं, उबल रहा है। बस अब हमको इतना ही उबालना है और अब हम अब इसकी गैस बंद कर देंगे और इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको अपने किसी भी बर्तन में भर के रख लेंगे। घी काफ़ी मात्रा में निकलता है इस तरह से करने पे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी बन जाता है। जब आपको टाइम हो आप तब इसको बना सकते हैं, ना खराब होता है ना कुछ होता है, बहुत बढ़िया घी बनता है। ये देखिए घी छानने के बाद में ये हमारा बचा है गाढ़ा भाग, इसको हम खोए जैसा यूज़ कर सकते हैं और इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसका, बिल्कुल खोए जैसा। ये देखिए जो हमारा मक्खन निकालने के बाद दूध बचा था मैंने उसमें जावन डाल के इसका दही बना दिया है। ये दही भी देखिए आप कितना गाढ़ा बना है। ये देखिए जैसा आप दूध का जमाते हैं दही बिल्कुल वैसा ही और उतना ही गाढ़ा जमा है। ये देखिए कितना अच्छा दही जमा है। इसका आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, दही का आपको जो भी उपयोग करना हो, चाहे लस्सी बना के पीजिए, चाहे इसका आप दही बड़े बनाइए, कढ़ी बनाइए, रायता बनाइए, बहुत अच्छा गाढ़ा दूध बनता है। एक मलाई से आपको कितनी चीज़ें मिल गई, घी भी मिल गया, खोआ भी मिल गया और दही भी बन गया हमारा। तो देखा आपने इस तरह से हम 10-12 दिन की मलाई से कितना सारा घी भी बना सकते हैं, खोवा भी बना सकते हैं और दही भी हम बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपको जो समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहले और सबसे पहले पहुंच जाए और आप उनको देख सकें। मेरे वीडियो में आपको जो भी चीज़ पसंद नहीं आती है या जो भी चीज़ पसंद आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और आपको जो भी समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू।